एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि प्लम कहीं बाहर जा रहा होता है कि तभी एक आंटी को भारी बॉक्सेस उठाता देख प्लम उनकी मदद करने लगता है। वो आंटी प्लम से पूछती है कि वो इतनी लेट कहाँ जा रहा है। प्लम उन्हें बताता है कि वो अपनी छोटी बहन प्रिम से मिलने जा रहा है, काम खत्म होने में थोड़ा वक्त लग गया इसलिए उसे देर हो गई। आगे प्लम कहता है कि प्रिम जरूर उससे बहुत गुस्सा होगी इसलिए रास्ते में वो उसके लिए क्रिस्पी पोर्क राइस लेकर जाएगा। आंटी प्लम को जाने से पहले अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने के लिए कहती है क्योंकि वो पुराना वाला पासवर्ड भूल चुकी है। प्लम ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है कि इस उम्र में भी वो आंटी इंस्टाग्राम में है। फिर वो उन्हें टीज करता है कि ज़रूर उन्होंने इंस्टाग्राम में सुंदर सुंदर लड़कों के पिक्चर्स को लाइक करने के लिए अकाउंट बनाया है। प्लम उनके इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने लगता है तभी वहाँ एक औरत आती है और उस आंटी से पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि समित जन गली में जो हॉन्टेड घर है वहाँ पर घोस्ट हंटिंग टीवी प्रोग्राम वाले आने वाले हैं। आंटी को लगता है कि वो उसी गली के किसी दूसरे घर के बारे में बात कर रही है। फिर वो थोड़ा गुस्सा होकर कहती है कि आज तक उस घर में इतने टीवी प्रोग्राम वाले आ चुके हैं ना कि अगर वो उस घर में भूत होती तो वो अपना बोड़िया बिस्तर बांध कर तब कब तक भाग चुकी होती। पर वो औरत उनसे कहती है कि वो उस घर की नहीं बल्कि दूसरे घर की बात कर रही है जहाँ पर स्टूडियो भी है। स्टूडियो का नाम सुनकर प्लम का ध्यान उनकी बातों पर जाता है और वो चुपचाप उनकी बातें सुनता है। वो औरत कहती है कि उस स्टूडियो वाले घर में दो जुड़वा बच्चे रहते थे और उनके पापा एक आर्टिस्ट हैं। उन लोगों का नाम वो याद करने की कोशिश करती है पर उन्हें याद नहीं आता है। आगे वो बताती है कि लोगों का कहना है कि उस घर के सभी लोग मर चुके हैं। जब घोस्ट हंटिंग वालों को इस बारे में पता चला तो वो लोग इस बात को प्रूव करने के लिए जा रहे हैं कि भूत सच में होते हैं कि नहीं। प्लम को कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि वो लोग जिस घर के बारे में बात कर रहे हैं वो केविन के रिश्तेदारों का घर है जहाँ पर वो काम है और उस परिवार के साथ बातें भी कर रहा और समय भी बिता रहा है। प्लम के तो चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती है। वो दोनों औरतें प्लम से पूछती है कि वो तो उस घर के पास से बहुत बार गुजरा होगा क्योंकि वो अक्सर उस गली में जाता है। प्लम उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और उस आंटी का फ़ोन वापस करके जाने लगता है पर वो लोग प्लम को काम में मदद करने के लिए रोक लेते हैं। आधी रात का समय हो चुका होता है, केविन प्लम को कॉल करता है अपने साथ हॉन्टेड प्लेसेस पर ले जाने के लिए और हम देख पाते हैं कि केविन ने प्लम का नंबर हैंडसम गार्डनर से सेव किया है। प्लम केविन का फोन रिसीव नहीं करता है इसलिए केविन अकेले ही अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगता है कि तभी आंटी जेब, अंकल आर्ट और सीना वहाँ आते हैं। आंटी जेब केविन से पूछती है कि वो आधी रात को कहाँ जा रहा है। केविन थोड़ा हिचकिचाकर उन्हें बताता है कि वो भूतों को पकड़ने के लिए हॉन्टेड बिल्डिंग जा रहा है। उसने सुना है कि वो बिल्डिंग बहुत डरावना है और वहाँ पर उन्हीं के जैसे दिखने वाले भूत रहते हैं और उसने इंटरनेट से भूतों को पकड़ने के लिए सारे मेथड्स भी सीख लिए हैं। आंटी जेब केविन को जाने से मना करती है क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्कैरी है। केविन उन लोगों को चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि जब वो अमेरिका में था तो वो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक जगह पर जा चुका है, ये हॉन्टेड बिल्डिंग तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सीनाम कहती है कि जब वो जानता है कि वो सारी जगह रिस्की है तो केविन फिर भी वहाँ क्यों जाना चाहता है, पर केविन बस इतना कहता है कि वो अकेला सब कुछ संभाल लेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता। आंटी जेब को समझ में नहीं आता है कि केविन को भूतों से मिलने में इतनी दिलचस्पी क्यों है, जिस पर अंकल आर्ट कहते हैं कि केविन को पता भी नहीं है कि वो इतने दिनों से भूत को ही देख रहा है। सीनाम उनको चिंता नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि इंटरनेट में भूत को पकड़ने के लिए जो मेथड लिखे जाते हैं वो एक्चुअली में काम करते भी नहीं है, पर आंटी जेब कहते हैं कि वो बिल्डिंग इसी बात के लिए फेमस है कि वहां पर अक्सर भूत दिख जाते हैं और उसे यकीन है कि केविन को भी कोई ना कोई भूत जरूर दिख जाएगा। आंटी जेब केविन को फॉलो करने का फैसला करती है। तभी उसका ध्यान सीफून पर जाता है कि वो तो बहुत समय से उनके साथ है ही नहीं। आंटी जेब सीनाम को भी डांटती है कि वो भी आजकल बहुत गायब रह रही है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अंकल आर्ट आंटी जेब को उन लोगों को डांटने से मना करते हैं कि अब तो वो लोग भूत भी बन गए हैं तो उन्हें डांट कर या कहीं जाने पर रोक टोक करने से क्या फ़ायदा है। फिर आंटी जेब सीनाम को सीफून पर नज़र रखने के लिए कहकर उसे बुलाने के लिए कहती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी फोन केविन की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती है। सी फोन अपने आप में ही कहता है कि वो जानता है कि वो चीज़ यहीं आसपास कहीं छुपी हुई है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक छोटी सी ईयरिंग पर जाती है। उसे ये तो पता होता है कि वो केविन की नहीं है। वो अपनी माँ को ये दिखाने जाने वाला होता है कि सीनाम उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है। सीफोन सीनाम को भी वो ईयरिंग दिखाता है, पर सीनाम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर उससे पूछती है कि सीफोन केविन के कमरे में क्या कर रहा है। सीनाम उसे सभी को नीचे ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके वजह से सीनाम को उसकी माँ से डांट पड़ रही है। पर सीफोन सीनाम को उसकी बात सुनने के लिए कहता है कि जब वो केविन के सपने में गया था तो उसने वहाँ पर किसी इंसान को देखा। सीनाम सीफोन को डांटती है कि अगर उनकी माँ को ये बात पता चल जाएगा कि सीफोन केविन के सपने में जा रहा है तो वो गुस्सा करेगी, क्योंकि उसके ऐसा करने से केविन को उनकी सच्चाई का पता चल सकता है। सीनाम सीफोन को नीचे जाने के लिए कहने वाली होती कि तभी उसे गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि घोस्ट हंटिंग प्रोग्राम वाले लोग थे, जो घर में सच में भूत है कि नहीं पता करने आए थे। सभी लोग उन सबको अपने घर में देख कर डर जाते हैं और उसे भगाने के बारे में सोचते हैं। सीनाम सभी को छुपने के लिए कहती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि अगर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो वो लोग निराश होकर वापस वहाँ से चले जाएंगे। सभी ऐसा ही करते और एक कमरे में छुप जाते हैं। घोस्ट हंटिंग की होस्ट अपनी लाइफ में सभी को बताती कि इस घर के सभी फैमिली मेंबर मर चुके हैं, लेकिन उसने सुना है कि वो लोग अभी भी घर में एकदम इंसानों की तरह रह रहे, जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। उसे लगता है कि या तो वो लोग इस घर से जुड़ चुके हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि वो लोग मर चुके हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर उन्हें फूड दिखता है। फूड चेक करने पर होस्ट लाइव में बताती कि फूड्स अभी भी फ्रेश है, यानी कि इस घर में भूत के बारे में उन लोगों ने जो सुना है वो कहीं ना कहीं सच है। उसके बाद वो लोग अंकल आर्ट के गैलरी स्टूडियो में जाते हैं। होस्ट उस स्टूडियो के बारे में भी अपने लाइव में बताती है। गलती से किसी एक टीम मेंबर से एक पेंटिंग गिर जाती है। अंकल आर्ट गुस्से में उन पर चिल्लाते कि वो लोग उनके सामान को ना छुएं। अब तो उनको पक्का यकीन हो जाता है कि इस घर में सच में भूत है और वो आज भूत को पकड़ कर ही रहेंगे। होस्ट अपने मेंबर को सारे इक्विपमेंट्स बाहर निकालने के लिए कहती और पूजा की तैयारी करने लगती है। इधर सभी लोग अंकल आर्ट पर गुस्सा करते कि उनकी एक गलती की वजह से उनका पूरा प्लान खराब हो गया। उन्हें समझ में नहीं आता कि अंकल आर्ट को अभी भी अपने पेंटिंग से इतना लगाव क्यों है। सीफोन डरने लगता है कि अगर उनकी पूजा सफल हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे। आंटी जेब सभी को हौसला देती है कि वो अपनी फैमिली को कुछ भी होने नहीं देगी। तभी अचानक से सीनाम की तबीयत खराब होने लगती है। उन घोस्ट हंटर की पूजा का असर इन पर दिखने लगता है। वो लोग उसी स्टूडियो में चारों तरफ कैंडल्स जलाकर उनके बीच में बैठ जाते हैं और वो होस्ट सीनाम और सीफोन की तस्वीर पर लाल मोमबत्ती का मोम डालती है। उधर जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, इधर सीनाम कमज़ोर होने लगती है। अंकल आर्ट को लगता है कि आज वो लोग गायब हो जाएंगे। वो अगले जन्म के बारे में कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि आंटी जेब डांट देती है कि उन्हें ऐसे हार मानने के बजाय कोई रास्ता निकालना चाहिए। सीफोन को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग नए नए भूत बने, उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि मरने के बाद भी वो लोग वापस इस घर में क्या कर रहे हैं। सभी लोग धीरे धीरे हार मानने लगते हैं कि अब सीफोन भी अपनी एनर्जी खोने लगता है। उनके मंत्र और पूजा की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। वो होस्ट उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मंत्र पढ़ ही रही होती है कि अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस के डर से वो लोग अपनी पूजा को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो दूसरों के घर में बिना परमिशन के घुस की वजह से उन्हें जेल भी हो सकती थी। तभी हम देखते हैं कि वो आवाज पुलिस की गाड़ी की नहीं थी, बल्कि प्लम उस आवाज को निकाल रहा था ताकि वो उन लोगों को घर से भगा सके। उन लोगों को भागते देख वो घर के अंदर जाता है। सभी फैमिली मेंबर्स उसके पास आती है। प्लम डर डर कर और थोड़ा हिचकिचाते हुए उनसे पूछता है कि क्या वो लोग उससे कुछ कहना चाहते हैं। आंटी जेब हाँ कहती है और प्लम से प्रॉमिस लेती है कि वो केविन को इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।